वेलकम टू SSC जी दोस्तों। तो ये हमारा आज का टॉपिक है idioms and phrases। ये हमारा पार्ट 3 है, इससे पहले दो पार्ट निकल गया, सो अगर आप देखे नहीं है तो देख लीजिए, सारा प्रीवियस ईयर का दोस्तों। ओके, मैं हर एक मैं आपको 40-40 क्वेश्चन ले रहा हूँ, ताकि आपका अभी मैं निकालूंगा 12 इसका पहले लेक्चर निकालूंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको कवर करूंगा 450 या 500 के अप्रोक्स। ओके, देन इसको स्टॉप करूंगा, क्योंकि हर अल्टरनेट डे पे नहीं आएगा ये, अब उसके बाद से वो 4 दिन के गैप पे आएगा, ठीक है। तब अल्टरनेट डे पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वन वर्ड हो जाएगा और बायोलॉजी सेक्शन का हो जाएगा, जीके का। बायोलॉजी सेक्शन कोई और पढ़ाएंगे, ओके, मैम पढ़ाएंगे और एक सर है वो पढ़ाएंगे, और इंग्लिश सेक्शन में दो हम लोग हैं, ओके, एक अनुराधा मैम है और एक मैं हूँ, ठीक है। तो हम लोग दोनों मिलकर इसको कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। और दोस्तों जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक तो एकदम पक्का कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और फ्रेजल वर्ब का भी हमारा 3 पार्ट निकल गया, सो उसको प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें मैं फ्रेजल वर्ब भी ले लिया हूँ, ओके, idioms एंड फ्रेजेस लिख दिया, तो फ्रेजल वर्ब भी ले लिया हूँ, बट उसमें क्या ना आपको डीपली थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्लॉज टेस्ट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, इस सब में यूज हो जाता है, सो आपको नीड पड़ेगा उसका। चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा टेक एक्सेप्शन। इसका एग्जाम्पल की तरह सबको समझाते हैं कि कोई भी बात पे ना, जैसे मैं बोला कि आज ये काम करना चाहिए, तो बस उसमें कोई एक आदमी उठ के बोलता है, हमेशा एक्सेप्शन लगा देता है, नहीं 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 ये नहीं करना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट लगा देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहे, ट्रिपल तलाक में जैसे जब भी लाया जा रहा था, ओके, बिल लाया जा रहा था गवर्नमेंट का, तो क्या कर रहा था कांग्रेस, ऑब्जेक्ट कर दे रहा था कि भाई इसका ये रूल सही नहीं, इसका वो रूल सही नहीं, उसका वो रूल सही नहीं, पहले उसको सुधारो, पहले उसको सुधारो, दैट मीन्स टेक एक्सेप्शन कर दे रहा था। होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पिकिंग अप होल सीन। दोस्तों पिकिंग अप होल सीन का मतलब क्या होता है, आप देखते हो कोई कोई आदमी आपको मिलता होगा रियल लाइफ में भी, कि भाई जो हर बात पे है ना फॉल्ट निकालता है, अच्छाई नहीं देखता, खराब को ज्यादा खोजता वो, ओके, दैट मींस क्या होता है, फाइंडिंग आउट फॉल्ट्स विद समथिंग, कोई भी चीज में फॉल्ट खोजना। मैं कुछ सामान दे तो उसमें फॉल्ट खोज देना, मैं कुछ अगर बोला तो उसमें फॉल्ट खोज देना, वो इंसान में ही फॉल्ट खोज देता है, अच्छाई कम देखता, बुराई ज्यादा देखता। तो ऐसा बहुत सारे पर्सन होते हैं जो पिकिंग अप होल्स इन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू कास्ट अ डाई। अगर जो भी इंजीनियरिंग किया होगा, अगर मैकेनिकल से किया होगा, तो उसको पता हो कि एक बार अगर कास्ट को, डाई को अगर कास्ट कर दिया जाता है, दैट मींस वो हो जाता है, ओके, परमानेंट हो जाता है। दैट मींस क्या होता है, तो इसको अगर ऐसे वर्ड में लिया जाए, क्योंकि idioms है, मुहावरा है, तो इसको ऐसे लिया जाए, तो टू टेक अ डिसीजन, मतलब एक डिसीजन ले लिया गया है, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार अगर डाई भी कास्ट हो गया तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। सिमिलरली एक डिसीजन अगर टेक ले लिया जाता है, तो उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता, दैट मींस टू टेक अ डिसीजन। देखिए ये CHSL का सीरीज चल रहा है, ओके, इससे पहले CPO का था, CGL टीयर 2 का था, CGL टीयर 1 का था, एक सीरीज बना के मैं चला रहा हूँ, ओके, होप आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट इज पुट अप विथ। तो ये क्या है, फ्रेज, एक फ्रेजल वर्ब है। तो पुट अप विथ का भी मतलब सेम टू सेम होता है, किसके जैसा, बियर विथ। बियर विथ मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी को टॉलरेट करना, ठीक है, आई एम, मतलब कोई भी किसी को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को टॉलरेट कर रहा है, पति पत्नी को कर रहा है, तो बियर विथ होगा, ठीक है। अब देखिए पुट अप विथ का भी सिमिलर मीनिंग है, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया, बियर पेशेंटली, आराम से बियर करना उसको, ओके, तो बियर और इंडोर, इंडोर मतलब बर्दाश्त करना, ओके, तो ये भी CHSL 2013 का था। चलिए नेक्स्ट, द गिफ्ट ऑफ गैब। गैब होगा, गाइड नहीं होगा, गैब होगा, इसको ठीक कर लीजिए, गैब होगा ये, ठीक है, टाइपिंग एरर है। तो गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब क्या होता है, गैप का मतलब है टॉक, बात करने का, ठीक है, तो इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू स्पीक वेल, ठीक है। मैक्सिमम आप देखिएगा गिफ्ट ऑफ गैप का टॉक भी होता है, चैटर भी होता है, ठीक है, सिनोनिम्स में अगर आप जाएंगे तो भैया आपको चैटर भी मिलेगा। तो चैटर का मतलब, गैप का मतलब होता है गपशप करना, टॉक, उसका एक सिनोनिम्स टॉक भी और चैटर भी है। तो आप देखिए मैक्सिमम कहा जाता है कि लड़की लोग को चैटरिंग बॉक्स कहा जाता है, वो कुछ ना कुछ बोले, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं, वो, मतलब कोई दो सहेली अगर मिल गई तो कितना बात करती है आप फील कर सकते हैं, ओके, तो इसलिए याद रखिए गैप का मतलब होता है गपशप करना, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ गैप हो गया, तो मतलब उसके पास एक अच्छा एबिलिटी है टू स्पीक वेल, ठीक है। नेक्स्ट इज सी थ्रू।
सी थ्रू का मतलब क्या होता है देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल देते हैं। एक दिन सावधान इंडिया में दे रहा था कि जैसे बेटा घर से जाता था बाहर, बहू अपनी सास पे पूरा अत्याचार करती थी, और जैसे बेटा आता था तब तक वे पूरा अच्छा बन जाती थी। तो बेटा को लगता था कि माँ ही गुस्सा रही उस पर, क्यों गुस्सा रही हो, इतना करती तुम्हारे लिए, बट उसको पता नहीं चलता था कि उस गैप में वो कितना अत्याचार करती थी बहू उस पर। ठीक है, ये सावधान इंडिया के कहानी बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, एक दिन बेटा चुपके चोरी बैठ के देख लिया, मतलब गया बोला कि हम जा रहे हैं और रुक गया। वो पूरा देखा कि उसकी बीवी क्या कर रही थी। उस दिन आके वो बोला कि अब तुम कुछ बोलो मत, मैं सी थ्रू कर लिया हूं, दैट मींस मैं डिटेक्ट कर चुका हूं, मैं रियलाइज कर चुका हूं ट्रूथ कि तुम ही बदमाश थी, मेरी माँ को तुम तंग करती थी। ठीक, ये सावधान इंडिया का कहानी था, ये मेरा नहीं था। ओके, नेक्स्ट वन इज, होप आपको समझ में आ गया होगा, सी थ्रू, टू डिटेक्ट और टू रियलाइज द ट्रूथ। नेक्स्ट है कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है आइसोलेट करना, किसी को भी आइसोलेट करना। जैसे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान को हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड से, वर्ल्ड का कंट्री से आइसोलेट कर रहे हैं, मतलब अलग थलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, उसमें अलग थलग बोलता था। तो कॉर्डन ऑफ का मतलब है आइसोलेट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक और इसका एग्जाम्पल है, जैसे कहीं बम है, सपोज कहीं एक बम है, तो वहां से आदमी को क्या करता है, आइसोलेट कर देता है, ये निकलो 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 वहां से हटाओ, क्यों, कॉर्डन ऑफ कर देता है। तो स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग इनटू एन एरिया बाय सराउंडिंग इट विद पुलिस, जहां पुलिस वहां सराउंडेड है वहां से उसको हटा देता है। तो बम के केस में भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ये भी एक है। तो दो तरह का आया था, एक बार आइसोलेट इसका आंसर था, एक बार ये था, इसलिए दोनों को आपको याद रखना है। द नेक्स्ट वन इज कीप एन ओपन हाउस। अगर कोई घर को आप खुला रखिए, कीप एन ओपन हाउस रखिए, तो ऑब्वियसली बात आप क्या कर रहे हैं, वेलकम ऑल मेंबर्स। दिवाली के टाइम पे दरवाजा खोल के रखा जाता है, क्यों, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी माता आएगी, इसके चलते खोल के रखा जाता है। तो वैसे अगर आप कीप एन ओपन हाउस करें, मतलब आप वेलकम करें मेंबर को, आइए, ठीक है, ये भी CHSL का है। चलिए नेक्स्ट, विट बिहाइंड ईयर्स। देखिए विट से बहुत सारा था, याद कीजिए आउट ऑफ विट्स, है ना, ये पार्ट वन में था मेरे कल से। सेकंड में क्या था, सेकंड पार्ट में विट वंस विशल, भाई इसका मतलब क्या था, टू हैव ड्रिंक, इसका मतलब क्या था, ग्रेटली कंफ्यूज्ड। और यहाँ विट्स बिहाइंड ईयर, बिहाइंड ईयर है इसका मतलब क्या है, नोविस है, नोविस मतलब क्या है, यंग है बट इनएक्सपीरियंस्ड है, नोविस का मतलब होता है कि इनएक्सपीरियंस्ड होना कोई चीज में, दैट इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे नाइव भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नाइव लिखा हुआ है, नोविस भी लिख सकते हैं आप इसको, नोविस भी आता है, ओके, तो याद रखना है। चलिए पिकॉन, पिकॉन का मतलब क्या होता है, तो बोले कड़ी चेतावनी देना, वान सिवरली, वान सिवरली मतलब कड़ी चेतावनी देना, मैं पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देता हूं कि अगर उसने कुछ करने की सोची तो उसका अंजाम बहुत बड़ा होगा, डेट मीन्स वो पिकॉन कर रहे हैं मोदी जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइट टूथ एंड नेल। तो भैया टूथ एंड नेल का क्या होता भैया, तो भैया पूरा दम लगा के, ऐरी चोटी का दम लगाना, नहीं बोलते ऐरी चोटी का दम लगाना, वो एक हिंदी मुहावरा है, ठीक है। तो इसका मतलब फाइट विथ स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, ऑल स्ट्रेंथ होगा, फाइट विथ ऑल स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, जितना ताकत है उससे लड़ा, ठीक है, ओके। टीथिंग प्रॉब्लम बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है, टीथिंग प्रॉब्लम। देखिए अगर टीथिंग प्रॉब्लम अगर आप ऐसे देखिए तो आपको समझ भी नहीं आएगा, डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, बट आपको मैं समझाने के लिए करता हूँ। देखिए जब हमारा, हम लोग बोलते हैं ना अक्कल दांत, जब अक्कल दांत हमारा आता है तो उस समय क्या होता है, हमको दर्द होता है, प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्टीज आता है ना, तो वो जब निकलता है उसी समय हमको दर्द होता है, परेशानी होता है, बहुत होता है। तो याद रखिएगा टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, क्योंकि दांत भी अगर निकलता है भाई अक्कल दांत तो हमको बहुत तकलीफ होता है, तो इसको रिलेट करके याद कराने के लिए कोशिश किया, ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अ वाइल्ड गोस्ट चेज। भैया देखिए इसका मतलब क्या होता है, फ्रूटलेस एट द स्टार्ट, तो फ्रूटलेस का मतलब देखिए एट द स्टार्ट, मतलब एट द स्टार्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये गड़बड़ है, ठीक है, इसका होता है परस्यूट, होता है परस्यूट, एट द स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ठीक से, परस्यूट, PERSUIT, परस्यूट, बात क्लियर है। तो फ्रूटलेस मतलब बेकार, बेकार आपका पीछा करना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कोई अगर एक लड़की बहुत, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, उसका पीछा कर रहे हैं बट वो किसी और की है, तो वो क्या है एक तरह का,
वो किसी और से प्यार करती है, वो क्या एक तरह का फ्रूटलेस परस्यूट है, ठीक है, बेकार का पीछा करना। ओके चलिए, टू गेट इनटू हॉट वाटर। अब देखिए हॉट वाटर में अगर आप चल जाएंगे तो क्या होगा, जल जाएगा, ट्रबल होगा ना आपको, डायरेक्ट बात है टू गेट इनटू ट्रबल, क्लियर है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का बहुत अच्छा एक एग्जांपल है जिसका ओरिजिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग बोला गया यहाँ पे, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, ठीक है, क्या हुआ था, ब्लू मतलब बोला था स्काई ब्लू है। ओके ब्लू लीजिए, स्काई ब्लू यहाँ पे आपको सेंस क्या है, जब ओरिजिन हुआ था तो स्काई ब्लू था, अब बोल्ट ऑफ लाइटनिंग था, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ था कि अब क्लियर स्काई में एकाएक लाइटनिंग हुआ तो भैया एक तरह का कंप्लीट सरप्राइज है ना कि भाई क्लियर स्काई था, बादल था नहीं, कैसे हो गया, तो उसी से ये आया है, ओरिजिन हुआ इसका अ कंप्लीट सरप्राइज। नेक्स्ट चलते हैं प्लेन सेलिंग। प्लेन सेलिंग देखो, सेलिंग जब भी करते हैं समंदर में सेल करते जब भी तो क्या होता है, बहुत आंधी तूफान आता है तो क्या होता है ऊपर नीचे स्मूथ सेलिंग नहीं होता है। अगर आपका प्लेन सेलिंग हो रहा है दैट मींस पूरा शांत है समंदर, दैट मींस वेरी इजी, क्या बहुत आराम से कर रहे हैं, प्लेन सेलिंग हो रहा है दैट मींस बहुत आराम से कर रहे हैं, वेरी इजी, याद हो गया, या एमटीएस में आया हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं टेक टू वन हिल्स, टेक टू वन हिल, अच्छा वन सेल। अब देखिए एक एक और था इससे रिलेटेड, याद कीजिए क्या था, तो अगर आप मेरा पिछला आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको याद आएगा कूल वन वंस हिल, है ना। तो दोस्तों देखिए अगर टेक टू हो रहा है तो भैया रन ऑफ हो रहा है, दौड़ रहा है, अब कूल हो रहा है मतलब वेट कर रहा है, तो कीप वेटिंग, पिछले में बताया था मैं, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप मेरा सारा वीडियो लाइन से देख रहे हैं तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। अच्छा टू कट वन शॉट, ये आपको समझने के लिए आपको एक चीज देख रहा हूँ कि आप लोग जब भी टीवी खोलते होंगे भैया तो एक डिबेट चलते रहता है, ओके, बीजेपी का, कांग्रेस का, समाजवादी, सब बैठा रहता है, तो वहां क्या होता है कि जब भी बीजेपी का प्रवक्ता या कांग्रेस का प्रवक्ता बोलता है तो बीजेपी का बोलता है तो कांग्रेस उसको रोक देता है, बीच में कुछ कट कर देता है, हाँ ठीक है, उसको क्लियर पूरा बोलने नहीं देता, उसका टाइमिंग को बोलने नहीं देता, वैसे बीजेपी कांग्रेस को कर देता है। तो किसी को भी क्या करना, इंटरप्ट, इंटरप्ट भी याद रखना है, ठीक है, इंटरप्ट करना या क्रिटिसाइज करना, हो आप तो बड़का अच्छे हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके एक दूसरा से लड़ता है ना, तो याद रखिए इसका दो ऑप्शन होगा, एक इंटरप्ट भी है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया था कट शॉट का, कट वन शॉट, तो इंटरप्ट भी था और क्रिटिसाइज भी था, तो मेरे को याद नहीं था तो मैं एक ही लिखा, मेरे को अभी याद आ गया तो मैं आपको बता दिया, इंटरप्ट भी था, याद रखिए इंटरप्ट भी रहेगा तो करेक्ट है और क्रिटिसाइज बने तो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सो द व्हाइट फ्लैग, भैया आप ये तो जानते हैं कि जब भी व्हाइट फ्लैग दिखाया जाता है डैट मीन सरेंडर किया जाता है, जब लड़ाई हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का तो वो लोग क्या था व्हाइट फ्लैग दिखाया था, हाल फिलहाल में भी कुछ झगड़ा हुआ था टीवी में आप देखे होंगे कि गोली चला था इधर से उधर तो कुछ पाकिस्तान लोग का सोल्जर लोग का लाश गिर गया था तो वो लेने जब आया था तो व्हाइट फ्लैग दिखाया था, दैट मीन्स आई एम अभी हम सरेंडर किए हुए, आप हम पे गोली ना चलाए। ओके अ कट अबव, अ कट अबव आया है क्या, एक एक क्लास को डिफाइन करता है, कट अबव कहने क्लास को, कोई एक ना अपने आप को ज्यादा ऊपर क्लास का समझता है, आप देखते हो एक सोसाइटी में आप जहां पे रहते हैं एक सोसाइटी जो हम लोग का सोसाइटी है उसमें कोई एक अपर क्लास अपने आप को समझता है, अपर क्लास इन द सेंस मतलब उसका सोसाइटी से, कि मैं कोई कास्ट रिलीजन से नहीं, उसका अंदर का कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं या ज्यादा पैसा मेरे पास, एक क्लास अपने आप समझता है, ओके कि तुम थोड़ा सा लोअर क्लास लेवल के हो, ओके तो इससे ये जनरेट हुआ है अ कट अबव, दैट मीन्स रैदर सुपीरियर टू, ओके होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, ये एकदम सीधा हिंदी साइड, डिसीव करना किसी को, चीट करना किसी को, आप देखते ना आंखों में धूल झोंकना, इसका हिंदी मुहावरा ही ना आंखों में धूल झोंकना, आप तो बता देंगे हाँ, है ना, तो वो इंग्लिश में लिखा टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, क्लियर है। नेक्स्ट चले रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स का कॉमन है, बहुत बार पूछ चुका है, आप लोग को भी याद होगा, ओके फिर भी मेरा कर्तव्य है प्रीवियस ईयर खत्म करना, डेट मीन्स खत्म करना, ओके तो इसका मतलब क्या होता है कि हिडन मीनिंग समझ जाना, समझे, कोई भी बात बोल रहा है उसको बहुत आराम से सुन के उसका तथ्य निकालना, मुझे हिंदी बोलते हैं सबका तथ्य समझ रहे हैं बाबू, मतलब सबका मीनिंग हम समझ रहे, तुम बोलना चाह रही हो, ठीक है, तो रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब नो व्हाट द राइटर थिंक्स,
राइटर के केस में क्या वो कहना चाहता है, बोलते हैं ना प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कभी क्या कहना चाहते हैं बताइए, तो आप क्या करते पूरा पैरा पढ़ते उसे फील करते कि राइटर क्या बोलना चाहता है, हित में बोल रहा है, खराब में बोल रहा है, सही में बोल रहा है, अच्छा में बोल रहा है, देश के लेके बोल रहा है कि किसको लेके बोल रहा है, आप क्लियर करते हैं। ये आप पैसेज में ज्यादातर किए होंगे 10th क्लास तक में। नो हिडन मीनिंग, ऑब्वियस है हिडन मीनिंग आपको खोजना पड़ता है, ओहो क्या बोलना चाह रही हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गिव वेंट टू। भैया अगर हमको वेंट का मतलब पता चल जाए तो हम इसका आराम से बता देंगे। तो वेंट का मतलब होता है बाहर निकालने देना, कोई चीज को बाहर निकालने देना। तो अगर बाहर कोई चीज को निकालने दोगे तो तुम एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, अगर तुम अपना बोली को निकालना चाह रहे हो दोस्त तो तुम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, यू वांट टू एक्सप्रेस। सो टू गिव वेंट का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस। अच्छा नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट, ये क्या है भैया फ्रेजल वर्ब है फिर से, तो इसमें इंक्लूड कर दिया जो भी प्रीवियस आया सब इसमें इंक्लूडेड है। और एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ फिर से फ्रेजल वर्ब का है वीडियो, पूरा ध्यान से उसको सीख लीजिए ताकि कुछ दूसरा चेंज करके आ जाए तो आप फंसे ना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, कुछ होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, बोलते हैं ना कोई जो कार्ड वार्ड या टैरो कार्ड वाला भी आता है वो बोलती ना आपके साथ कुछ होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हस्बैंड वंस रिसोर्स, तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि भूल जाएगा, क्योंकि इसको देख के आप नहीं समझ पाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। तो याद रखिए इसका मतलब होता है, दो आया था मीनिंग, ठीक है, एक तो सेफ और एक इकोनॉमिकल, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। ओके दोनों रहा तो ऑब्वियस बात आप मार दीजिएगा, बट दोनों में से कुछ भी सेव रहा तो सेव आंसर होगा, इकोनॉमिकल है तो इकोनॉमिकल आंसर रहेगा। तो हस्बैंड वन रिसोर्सेज क्या होता है, सेव या इकोनॉमिकल। चलिए फोम एट द माउथ, ये एकदम कॉमन आप देखे होंगे, जब गुस्सा में आदमी रहता है तो मुंह से एकदम झाग निकलने लगता है गुस्सा, है ना, तो कैसे कर दिए ये, कैसे चिल्ला चिल्ला के मुंह से एकदम झाग निकलने लगता है भैया गुस्सा में, तो कब था एंग्री होता था, क्लियर। कीप वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ये मेरे ख्याल से पिछले में बता दिया था, स्टार्वेशन से बचने के लिए, ओके टू अवॉइड स्टार्वेशन, दैट मींस यहां देखिए यही चीज को यहां पे उल्टा कर दिया। हम पार्ट वन में या पार्ट टू में आपको बताए हैं कि कीप वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब टू अवॉइड स्टार्वेशन, बट इसमें क्या दे दिया देखिए, इसमें वो ऑप्शन में नहीं दिया, यहां दिया कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो आपको मीनिंग समझना होगा भाई, हिडन मीनिंग समझ गया ना, कि भाई जब स्टार्वेशन को दूर करना चाहते हैं मतलब आप पॉवर्टी को अपना दूर करना चाहते हैं, ठीक है, तभी तो पॉवर्टी अगर नहीं रहेगा तो आपको स्टार्वेशन से क्यों क्यों होगा भाई, क्यों आप मरिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पिन मनी, भाई पिन मनी याद रखना एडिशनल मनी होता है, क्लियर है। नेक्स्ट है अल्फा ओमेगा, तो भैया एक ग्रीक में है कि पहला को अल्फा बोलते हैं लास्ट लेटर को ओमेगा बोलते हैं, तो बिगनिंग एंड एंड, तो याद रहेगा ग्रीक का अल्फाबेट में पहला आपका बिगनिंग जो लेटर होता है जैसे हम लोग का ए है तो लोग अल्फा होता है, लास्ट ओमेगा होता है, तो बिगनिंग और एंडिंग एंड, ठीक है। सैल्ट ऑफ द अर्थ, भाई सैल्ट ऑफ द अर्थ मतलब गांधी जी क्या थे हमारे, सैल्ट ऑफ द अर्थ थे, गुड थे, ऑनेस्ट थे और आइडियल थे, तो याद रखना गांधी जी से याद रहना है, गांधी जी क्या थे, सैल्ट ऑफ द अर्थ थे, तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हमारा लास्ट स्लाइड है, ओके क्योंकि हमारा 40 होने वाला है। ब्रिंग द हाउस डाउन, अब देखिए अप्लॉड करना मतलब ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब प्रेज में, मतलब किसी का मतलब आप इतना अच्छा किए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, मोदी जी जब आते हैं तो क्या करता ऑडियंस लोग क्या करता, खूब ताली मारता है। आप देखे होंगे कि अभी जस्ट जो हुआ था हाउडी मोदी इवेंट, उसमें क्या हुआ था, घुसते हैं वो बोलते हैं तो ताली बजना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ब्रिंग द हाउस मतलब मेक द ऑडियंस अप्लॉड, अब देखिए इंथुजियम होता है तो उसी से आ गया ये वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गैरी मेंडरिंग वे, गैरी मेंडरिंग वे का मतलब गैरी मेंडरिंग मेंडर का अगर आपको मीनिंग पता चल जाए तो क्या होता है, गैरी मेंडर का मतलब होता है जाल साजी करना, गैरी मेंडर का देखिए इतना अगर करिएगा तो इसका मीनिंग होता है जाल साजी करना, इसी से आप समझिए कि कुछ अनफेयर वे होगा, ठीक है। तो इन मैनिपुलेटिव और अनफेयर वे, ये बेसिकली किस केस में यूज किया जाता है, गैरी मेंडरिंग किस केस में यूज किया जाता है, ये पॉलिटिकली ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, अपना अपना एरिया के लिए, ठीक है, सब अपना अपना एरिया के लिए कुछ ना कुछ ऐसा गैरी मेंडरिंग वे करते हैं, कोई धर्म को लेकर करता है, कोई अपना कास्ट को लेकर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
डाउन इन द डंप्स। भैया एक चीज याद रखिए, डंप्स है यहाँ पे, देखिए डंप मतलब होता है ढेर, कचरा का ढेर, किसी का भी ढेर होगा, बट डंप्स का मतलब होता है क्या, देखिए यही एक एस से कितना चेंज हो जाता है, उदासीनता, अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या होगा, उदासीनता या उदासी। तो भाई डाउन कोई उदासी में रहेगा तो समझ जाइए सैड और डिप्रेस रहेगा, बट अगर आप डंप्स का मतलब भी ढेर समझते तो आप गलत हो जाएंगे। तो डंप का मतलब होता है ढेर, कचरा का ढेर, किसी का भी ढेर, कोई भी चीज का ढेर ही लगा दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डंप्स, ठीक है। बट डंप, अगर डंप्स एस लग रहा है तो भैया इसका मतलब क्या होता है भैया, उदासी। तो डाउन इन डंप्स मतलब गहराई में, अगर तुम डाउन नीचे जा रहा है उदासी में तो ऑब्वियस बात है तुम सैड और डिप्रेस्ड है, तो आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर थोड़ा सा मीनिंग अगर आपको क्लियर होगा तो। तो होप आपको ये पसंद आएगा दोस्तों, अगर पसंद है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, क्या और करना चाहिए, ठीक है। और लाइक तो जरूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों में श्योर शॉट कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। और ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा टेलीग्राम जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलते रहेगा, ओके। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद।